दोस्तों इस वर्चुअल लैब को अंडरस्टैंड करने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें सो दैट कि आपको हर चीज़ अच्छे से समझ में आए। अगर आप इस वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे तो आप कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मिस कर देंगे। हेलो गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं वर्चुअल लैब के बारे में, एक ऐसी लैब जिसको आप घर बैठे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको इस्तेमाल करने के लिए सिर्फ आपको चाहिए एक बढ़िया इंटरनेट कनेक्शन। सो लेट्स बिगिन दिस वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सबसे पहले आपको सर्च इंजन गूगल ओपन करना है और यहाँ पे टाइप करना है वर्चुअल लैब। वर्चुअल लैब टाइप करने के बाद एंटर प्रेस करें। वर्चुअल लैब एंटर करने के बाद जो सबसे पहला लिंक आता है www.vlab.co.in, इस पर आपको क्लिक करना है। तो मैं क्लिक कर देता हूँ। वर्चुअल लैब का ये इंटरफेस है, दिस इज़ द इंटरफेस फॉर दी वर्चुअल लैब। नाउ यू कैन सी वर्चुअल लैब्स एंड MHRD गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनिशिएटिव। तो दोस्तों ये एक ऐसी लैब है जिसको आप घर बैठे इस्तेमाल कर सकते हैं, सिर्फ आपको चाहिए एक बढ़िया इंटरनेट कनेक्शन। तो सबसे पहले हम इसके बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं कि ये वर्चुअल लैब क्या है और किसके लिए है और इसके अंदर कौन सा कंटेंट है और कितनी लैब है इसके अंदर और कौन कौन से एक्सपेरिमेंट्स आप घर बैठे परफॉर्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्लिक करना है अबाउट अस। तो दोस्तों जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हो तो आप देख सकते हैं कि वर्चुअल लैब, तो जैसा मैंने आपको बताया कि दिस इज एन इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट MHRD, एंड हेयर यू कैन सी दिस प्रोजेक्ट इज ए कंसोर्टियम एक्टिविटी ऑफ 12 पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स एंड IIT दिल्ली इज कोऑर्डिनेटिंग इंस्टीट्यूट। दैट मीन्स इसमें 12 इंस्टीट्यूट हैं, साथ में IIT दिल्ली है और IIT दिल्ली इसको कोऑर्डिनेट कर रहा है इस वर्चुअल लैब को। फॉर द फर्स्ट टाइम सच एन इनिशिएटिव हैज़ बीन टेकन अप इन रिमोट एक्सपेरिमेंटेशन। दैट मीन्स आपके पास अगर इंटरनेट कनेक्शन है तो आप घर बैठे एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म कर सकते हैं। आगे देखिए, नाउ यू कैन सी अंडर वर्चुअल लैब्स प्रोजेक्ट ओवर 100 वर्चुअल लैब्स कंसिस्टिंग ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 700 प्लस वेब अनेबल्ड एक्सपेरिमेंट्स वर डिज़ाइन फॉर रिमोट ऑपरेशन एंड व्यूइंग। दैट मीन्स यहाँ पे आपको मिलेंगी 100 वर्चुअल लैब्स, डिफरेंट लैब्स एंड अप्रॉक्सीमेटली 700 प्लस वेब अनेबल्ड एक्सपेरिमेंट्स। दैट मीन्स 700 से भी ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स आप परफॉर्म कर सकते हैं। नाउ यू कैन सी द इंटेंडेड बेनिफिशरीज ऑफ द प्रोजेक्ट्स आर ऑल स्टूडेंट्स एंड फैकल्टी मेम्बर्स ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग कॉलेजेस हु डू नॉट हैव एक्सेस टू गुड लैब फैसिलिटीज एंड और इंस्ट्रूमेंट्स। यानी कि जिनके पास अच्छी लैब्स की फैसिलिटी नहीं है वो इसको घर बैठे यूज़ कर सकते हैं। हाई स्कूल स्टूडेंट्स हुज इंक्विस्टिवनेस विल बी ट्रिगर्ड पॉसिबली मोटिवेटिंग दैम टू टेक अप हायर स्टडीज, रिसर्चर्स इन डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स हु कैन कोलेबोरेट एंड शेयर रिसोर्सेज, डिफरेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस हु कैन बेनिफिट फ्रॉम द कंटेंट एंड रिलेटेड टीचिंग रिसोर्सेज। And in the last, you can see virtual labs do not require any additional infrastructural setup for conducting experiments at user premises. That means आपको simple एक laptop चाहिए। This is not compulsory कि आपके पास एक बहुत अच्छा महंगा laptop होना चाहिए, laptop आपका कोई सा भी हो, लेकिन आपको एक अच्छा internet connection चाहिए ही चाहिए। The simulations based experiments can be accessed remotely via internet. तो इसका मतलब है आपको इंटरनेट कनेक्शन चाहिए अगर आपको एक्सपेरिमेंट्स का सिमुलेशन परफॉर्म करना है तो। एज यू कैन सी फ्रॉम दिस फिगर दैट वर्चुअल लैब, इफ़ यू वांट टू यूज इट यू नीड इन बिटवीन इंटरनेट, अ गुड इंटरनेट कनेक्शन सो दैट यू कैन यूज इट एंड यू कैन बी बेनिफिटेड फ्रॉम दिस वर्चुअल लैब। अब हम बात करते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स हैं। पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स पर आपको क्लिक करना है तो आप देख सकते हैं कि ये सभी पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स हैं। IIT खड़गपुर, IIT रुड़की,
IIT Guwahati, IIT Delhi, IIT Bombay, almost all are IITs. Now back to the home. When you click here on the home, so we have already discussed the objectives. Now यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कौन कौन से different labs हैं, कौन कौन से different branches हैं जिसके experiments आप perform कर सकते हैं. Electronics and communication, computer science and engineering, electrical engineering, mechanical engineering, chemical engineering, biotechnology and biomedical engineering, civil engineering, physical science, chemical sciences. So these are the labs and these are the participating institutes. We have already discussed about all these. So now try to understand. चलिए देखते हैं हम किसी एक lab पर क्लिक करते हैं. जैसे कि मैं देख लेता हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन पर अगर क्लिक करता हूँ तो मुझे क्या देखने को मिलेगा. तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि लैब्स रेडी फॉर यूज़ कौन कौन सी लैब्स हैं. देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के अंदर बहुत सारी लैब्स आती हैं, ठीक है, कोई एक लैब नहीं है, बहुत सारी लैब्स आती हैं. जैसे कि एडवांस नेटवर्क टेक्नोलॉजीज़ वर्चुअल लैब, एनालॉग सिग्नल्स नेटवर्क एंड मेजरमेंट लैब, क्यूइंग नेटवर्क्स मॉडलिंग लैब, हाइब्रिड इलेक्ट्रॉनिक्स लैब, आरएफ एंड माइक्रोवेव करेक्टराइजेशन लैब, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स लैब, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग लैब, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स लैब, डिजिटल वीएलएसआई डिज़ाइन वर्चुअल लैब, सिग्नल्स एंड सिस्टम्स लैब, वर्चुअल इलेक्ट्रिक सर्किट्स लैब. जैसा कि आप देख सकते हैं कि एडवांस नेटवर्क टेक्नोलॉजीज़ वर्चुअल लैब के सामने लिखा हुआ है आईआईटी खड़गपुर. दैट मीन्स सो दोस्तों आप देख सकते हैं कि इस लैब के सामने आईआईटी खड़गपुर लिखा हुआ है. इसका मतलब है कि आईआईटी खड़गपुर इज़ बेसिकली मेंटेनिंग दिस लैब, डीलिंग ऑल द फीचर्स ऑफ दिस लैब. एंड यू कैन सी दीज आर द लैब्स विच आर स्टिल अंडर मेंटेनेंस, फेडिंग चैनल्स एंड मोबाइल कम्युनिकेशन लैब एंड डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन लैब. और दोस्तों अगर आप कुछ फीडबैक देना चाहते हैं तो यू कैन स्टिल राइट हेयर लैब फीडबैक फॉर्म. So this is the quick link for this, and if you want to make any contact with them you can write up here support@vlab.co.in, contact to them on this mobile number. So dosto, this was all about the introduction of the virtual lab. So now my question is, you have to write answer in the comment section, who is the office holder of the MHRD. So you have to write in the comment section your answer. So guys, thank you so much for watching this video. अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक यू सो मच.